ये बोला अगली बार घोड़ा आप ही चढ़ेंगे। देखिए नाम क्या है? नाम क्या है? मौसमी जी, आप मुझसे बेंगलुरु में बहुत गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है। कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज़ किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देखी, अरे पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का, और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है, जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया सोनिया गांधी जी ने, अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया AICT के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी, 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनका, इनको बनाया चेहरा BJP ने, RSS ने, पहले कैबिनेट कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए, बैठे हमारे साथी। तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे बैठे हम लोग, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जहाँ हमारी सरकारें थी हम हार गए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें जाने वाली थी वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने एक बार हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है, मुझे कहते घर है कि देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने। हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से, 4 कानून पास किए, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा, 5वां कानून बनाओ आप, मेरी आरी मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए, जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा रख, परिवार चलाने का हक बनता, हक है, सरकार का हक रहता है, दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है, क्यों नहीं देश के अंदर हो। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, बिल्कुल तब बनोगे, तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने, हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। ये बाबा 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को, 140 करोड़ जनता के साथ में सोशल सिक्योरिटी कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको कहना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूँ। घोड़ा चढ़ेंगे या नहीं? हाँ, ऐसी बातें भूल जाता हूँ मैं। संदीप फुकन जी, बोलने दीजिए, पूरी बात जवाब दे दो, एक सेकंड जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था, तीसरे में मुख्यमंत्री बना। तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा, हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद, कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है, हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता, वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई
माता जी आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद बुद्ध नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद बुद्ध नहीं छोड़ रहा, बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, पद बुद्ध नहीं छोड़ रहा है और साथ छोड़ेगा भी नहीं।